इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत सुंदर व बहुत बारीक डोरी बनाना बताऊंगी और इसके अलावा भी जो कपड़े से डोरी नहीं बना सकते उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन व तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत ही सुंदर मैचिंग की डोरी बनाकर अपने कपड़ों पर लगा सकते हैं। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओरेब पट्टी काटनी होती है। ये पहले से ओरेब कटी हुई है तो उसके लिए एक से थोड़ी ज्यादा, एक इंच से थोड़ी ज्यादा हम निशान लगाएंगे और एक ओरेब पट्टी काट लेंगे इस तरह से निशान लगा के। और ये निशान लगाने के बाद हम ये ओरेब पट्टी को इस तरह से काट देते हैं। के बाद पहले हम यहां से इस पट्टी को इस तरह से सीधा काट लेते हैं और या तो हम एक जैसे हमारा रील का धागा है उसको चार पांच बार इस तरह से फोल्ड करते हैं और उसको इस तरह से मोटा कर लेते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई मोटा धागा होता है तो हम मोटा धागा भी ले सकते हैं। अगर मोटा धागा नहीं है तो हम रील के धागे को चार पांच बार पहले फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से उस ओरेब पट्टी के बिल्कुल बीच में रख के थोड़ा सा हम ये धागा बाहर निकालते हैं और बिल्कुल बीच में से इस तरह से हम उसको फोल्ड करते हैं और यहां से हम सुई से इसको बिल्कुल पक्का कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो हमारा धागा है और ये पट्टी के बिल्कुल बीच में हमें इस तरह से रखना है इस तरह से, और धागे के बिल्कुल इधर इधर हमें सिलाई लगानी है, धागे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है और बिल्कुल धीरे धीरे से हमें धागे के इधर इधर ये सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारा धागा अंदर की साइड इस तरह से सिल गया है लेकिन धागे के ऊपर हमारी सिलाई नहीं है। और अगर हमें ज्यादा कपड़ा लग रहा है ये बाहर की साइड तो थोड़ा थोड़ा हम इस कपड़े को काट देते हैं इस तरह से। और उसके बाद हमने जो धागा अंदर की साइड सिला है उसे थोड़ा सा हम सुई से इस तरह से अंदर कर देंगे इस तरह से। यहां से थोड़ा सा सुई से अंदर करने के बाद हम इसको इस तरह से धागे को खींच लेते हैं इस तरह से, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं खींच के और हमारी ये देखना बहुत बारीक डोरी हमारी ये तैयार हो जाती है इस तरह से और बहुत ही सुंदर ये डोरी बनती है। ये देखिए अगर आप कपड़े से डोरी नहीं बना सकते तो इसके लिए मैं रील के धागे से आपको मैचिंग डोरी बनाना बता रही हूँ और आपको वही रील लेनी है जिससे आपने अपने कपड़े सिले हैं, कपड़े पर यूज किया है। आप इसको अपने जितने भी आपके कलर आपके कपड़े में है आप उतने कलर की रील भी ले सकते हैं और आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं और आप एक कलर भी ले सकते हैं। तो इससे कैसे डोरी बनानी है ये मैं आपको बता रही हूँ। जितनी आपको डोरी बनानी है उसका डबल आपको धागा लेना है इस तरह से, जैसे एक बार में आपने डबल कर लिया और उसको सात आठ बार आपको इसी तरह से इस तरह से करना है। कम से कम सात आठ बार आपको वही धागा लेना है। जितनी आप ज्यादा मोटी डोरी बनाना चाहें उतना आप धागा ले सकते हैं, उतनी बार उसको फोल्ड कर सकते हैं। इस साइड इनको दोनों को हम बराबर करके दोनों सिरे इस तरह से हम गांठ लगा लेते हैं इनमें, या तो उसका दूसरा सिरा आप किसी चीज के नीचे इस तरह से दबा लीजिए या आप पैर के अंगूठे में भी इसको लपेट सकते हैं। एक तरफ से आप अपने हाथ से इस तरह से उस पर आप बल चढ़ाते जाइए। देखिए उसका एक सिरा आप किसी चीज के नीचे दबा लीजिए या आप पैर के अंगूठे पर भी इसको लपेट सकते हैं या किसी और को आप पकड़ा सकते हैं और इस तरह से उस पर आप बल चढ़ाते जाइए लगातार। बाद हमको उसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहां से उसको इस तरह से पकड़ते हैं बीच में से और उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी डोरी इस तरह से बन जाती है।
देखिए इसी तरह से दो कलर की डोरी हमने बना रखी है और इस पर हम इस तरह से ये नीचे लगा सकते हैं। इसके इस तरह से गोल कपड़ा काट के मैंने इसके नीचे लगाया और चारों तरफ ये मोती वाली लैस मैंने लगाई हुई है। इस तरह से मैं भी आपको लगाने बताऊंगी। ये इस तरह का डिजाइन लगाने के लिए हमें इस तरह चकोर कपड़ा लेना होता है और उसको इस तरह से हम बीच में से फोल्ड करते हैं और बन साइड की तरफ से हमें ये डिजाइन बनाना है और एक बार इस तरह से और फोल्ड करते हैं और जैसे हम अम्ब्रेला सूट या कुछ इस तरह का अम्ब्रेला फ्रॉक काटते हैं इसको इस तरह से हम गोल करते हैं। और एक बिल्कुल छोटा सा यहां से भी हम एक कट लगाते हैं इस तरह से। हमने बीच में कट लगाया है इस डोरी को अंदर की साइड से हम इसमें अंदर इस तरह से डालते हैं और ये हमारा ये जो कपड़ा है ये उल्टा होता है और यहां से हम उसको सुई धागे से इस तरह से हम सील देते हैं। ये हमारा इस तरह से ये डिजाइन लग गया है इसमें और ये बिल्कुल गोल है और ये हमारी डोरी बहुत सुंदर बन के तैयार हो गई है। और जैसे मैंने इस पर ये लैस लगाई हुई है आप इस तरह से इसके चारों तरफ पहले लैस लगा सकते हैं। आप इस तरह से अपनी मैचिंग का कपड़ा भी इसमें लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। और मैंने इसमें अपनी वीडियो में एक फ्लावर बनाने बताए हुए हैं, आप उस तरह से वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें नीचे आप इस तरह से मोती भी उसमें लगा सकते हैं, इस तरह से ये आराम से, ये बहुत बारीक डोरी है तो मोती आराम से इसमें अंदर चले जाते हैं और आप एक मोती भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, आप कैसे भी इन डोरियों को किसी भी तरह से आप सजा सकते हैं, कैसे भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। आपको जहां पर भी डोरी लगानी है उल्टी तरफ आप इस तरह से डोरी रखिए और ऐसे आप सुई से टाके लगा दीजिए, आपकी डोरी ये लग जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।